Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोगों का यहाँ पे bookkeeping and accountancy 11th standard का chapter number 3 journal शुरू है. तो उसमें हम आज इस वीडियो में solved illustration number 7 जो कि आपके textbook page number 73 पे है, sorry 75 पे है, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा. और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्नल एंट्रीज हमको किस तरीके से पास करनी है ये हमको समझ में आने वाला है. तो ये सब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज फोकस कीजिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे. डेबिट बैलेंस ऑन 1st April 2019, कैश एट बैंक 50,000, सन्ड्री डेटर्स 15,000, स्टॉक 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 lakh. क्रेडिट बैलेंस ऑन 1st April 2019, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्षा 10,000, बैंक लोन 40,000. अब ये क्या है, हम लोगों का तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कभी भी क्या होता था, बिजनेस कमिंग्स विद कैश, या फिर ऐसे कैपिटल से हम लोग शुरुआत करते थे अपने बिजनेस का. बट ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. तो अब ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो डेबिट में दिया है, वो सब चीज को हमको डेबिट में लिखना है, और जो क्रेडिट बैलेंस में वो क्रेडिट में लिखना है, बराबर. फिर जो हम लोगों का असेट है, और फिर जो माइनस हम लोग कर देंगे क्या चीज को, लाइबिलिटीज को, तो हमको क्या आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो हम कैपिटल में डाल देंगे. तो इस तरीके का ये पहला जर्नल एंट्री हमारा रहेगा. तो चलो हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं. तो क्या है ये, 1st April 2019, ठीक है ना. तो 1st April 2019 को क्या है हमारे डेबिट बैलेंस में, वो सब हम लोग देख लेते हैं. तो क्या है, कैश एट बैंक, ठीक है. तो सबसे पहले आ रहे कैश एट बैंक, तो मैंने यहां पे लिखा कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. क्या हम लोगों को ऐसा लिखना चाहिए कैश एट बैंक, या फिर हम लोग बैंक अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है. तो ऐसा मत लिखो, खाली हमको क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कैश एट बैंक मत लिखो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट हमने क्या किया यहाँ पे, डेबिट किया. कितना रुपया है वो है हम लोगों का 50,000. फिर क्या है हम लोगों का, डेटर्स, ठीक है ना. तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा डेटर्स अकाउंट भी क्या कर दिया हम लोगों ने, डेबिट किया, और कितना है वो 15,000. अब देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स है, तो हम लोगों को सन्ड्री डेटर्स ही लिखना पड़ेगा. तो यहां मैं लिखता हूं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट क्या किया हम लोगों ने, डेबिट किया, और कितना रुपया लिखा हमने, 15,000 रुपीस, ठीक है ना. तो अब आगे चलते हैं, फिर क्या है हम लोगों का, स्टॉक 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 lakh. यहां पे हम लोगों ने लिखा स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है. ये क्या कर दिया हम लोगों ने, ये भी डेबिट किया, और स्टॉक को भी हमने क्या किया था, डेबिट किया था. अब स्टॉक कितना है हम लोगों का, तो स्टॉक है 35,000 और प्लांट एंड मशीनरी है हम लोगों का 1 lakh. तो यहां पे हम लोगों ने लिखा कितना, 35,000, और ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 1 lakh रुपीस. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हमको क्रेडिट में जाना है, और वहां पे लिखना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्या लिखूंगा मैं यहां पे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और कितना रुपया है वो हम लोगों का, तो वो है 10,000 रुपीस. तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया क्या, 10,000 रुपीस लिख दिया. और क्या है हम लोगों के पास में यहाँ पे अभी, और
हम लोगों के पास में है बैंक लोन कितना है 40,000 टू बैंक लोन अकाउंट, और ये कितना है हम लोगों का 40,000 है बराबर। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 50 + 50 कितना हो गया 1 लाख, और ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, बट ये कितना है 50 है, तो यहाँ पे कैपिटल कितना आ जाएगा हम लोगों का 1,50,000 बराबर ना। तो कैपिटल अकाउंट हम कितना लिख देंगे यहाँ पे 1,50,000। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ है, पहला एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको समझ गया होगा। जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे डेबिट बैलेंस दिए होते हैं, तो सारे जो चीज डेबिट में दिए वो डेबिट में लिख दो, और जो चीज क्रेडिट में दिए वो क्रेडिट में लिख दो। आपको कैपिटल नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, जो डेबिट का टोटल किया है उसमें से क्या कर दो, जितना भी आपके पास में क्रेडिट में है अमाउंट्स उसको माइनस कर दो उसका टोटल करके, मतलब डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे एक आंसर आएगा, वो आंसर ही आपका क्या होता है कैपिटल। ये हम लोगों ने इक्वेशन भी पढ़ा था बराबर, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बस उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे ये पहला एंट्री पास कर लिया है। तो हमको ये जो है हम लोगों का क्या है, बैलेंसेस फॉरवर्ड किया है हम लोगों ने, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं बीइंग बैलेंस फॉरवर्डेड, बीइंग बैलेंस फॉरवर्डेड बराबर। अब बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करो, सॉरी बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, फ्रॉम प्रीवियस ईयर, चाहे लास्ट ईयर कुछ भी लिखो, फ्रॉम प्रीवियस लिखो बेस्ट लगेगा, प्रीवियस ईयर। इस तरीके से हम लोगों ने पहला जनरल एंट्री यहाँ पे पास कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड जनरल एंट्री पे, जो कि हमारा पेज नंबर सॉरी जो कि हमारा 1 अप्रैल को है, वो भी तो परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना बराबर, और 12% कितना है यहाँ पे जीएसटी है एंड अमाउंट पेड बाय चेक। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पेमेंट कर दिया है बराबर। तो अब चलो क्या है, ये भी पहली तारीख को ही है, परचेस है तो इनपुट होएगा हम लोगों का, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, परचेस अकाउंट क्या लिखा हमने, डेबिट, कितने में परचेस किया हम लोगों ने 90,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया, इसमें 90,000 लिख दिया। फिर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन पुट सीजीएसटी अकाउंट को भी हमने क्या किया है, डेबिट किया है, और इन पुट एसजीएसटी अकाउंट भी क्या होगा हम लोगों का, डेबिट होएगा। ये 12% होने के वजह से ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 6%, और ये भी कितना हो जाएगा हम लोगों का 6% हो जाएगा बराबर। तो अब बात को समझते हम लोग, तो देखो जब भी हम लोगों का 1 डिजिट में कोई भी परसेंटेज निकालना होता है, तो हम लोग यहां से कितने जीरो को कट करते हैं भाई, 2 जीरोस को कट कर लेते हैं, ठीक है, 2 जीरोस को कट कर लेते हैं। तो अब 6 9 जार कितना होता है, 54 होता है बराबर। 6 9 जार कितना होता है, 54, हमने लिख दिया ये 54। अब बचे कितने, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया। अब आपके टेक्स्ट बुक में है ना ऐसा एक्सप्लेनरी नोट करके दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स जैसे कि एग्जाम में है ना आपको ये एक्सप्लेनरी नोट लिखना कंपलसरी है बराबर। तो ये आप बना देना, जैसे जो भी कोई ट्रांजेक्शन रहेगा वो डेट ऐसे एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देने का, और फिर यहाँ पे ऐसे छोटे में लिख देने का, परचेस गुड्स वर्थ ₹90,000 एट क्या बोलते हैं, कितना परसेंट जीएसटी है, 12% जीएसटी। तो ये आप लिख देना और उसको ऐसा बाइफरकेट करके अच्छे से बता देना। तो मैंने तो ये यहाँ पे ही आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया हम लोगों का, 5,000 + 5,000 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 400 + 400 800, तो 10,800 की एंट्री हम लोगों को यहाँ पे पास करनी है,
ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या बोला है ये लोगों ने, परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से पे कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। और अभी हम लोगों का टोटल कितना हुआ था यहाँ पे, तो 1 लाख, एक मिनट, ये 90 प्लस 10 और ये 400, तो 1,08,00 हो गया था, बराबर। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दी है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बीइंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, गुड्स परचेस्ड एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले जर्नल एंट्री की ओर। तो यहां पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू नेहा ₹30,000 एट 18% जीएसटी, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोगों को क्या किया है हम लोगों ने, कि हम लोगों ने ये गुड्स बेचा है, बराबर, कितने रुपए का बेचा है, 30,000 का, और 18% क्या है उसके ऊपर जीएसटी है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, 05/04/2019। अब यहां पे सोल्ड गुड्स टू नेहा, तो यहां पे क्या एंट्री आएगी हम लोगों को, सेल्स किया है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी तो आएगा ही आएगा। बट यहां पे क्या है कि कैश वर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये उधारी में होएगा। तो नेहा हम लोग लिखेंगे, तो किसने रिसीव किया है, तो नेहा ने, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेहाज अकाउंट, क्या लिखा हम लोगों ने, डेबिट, ठीक है, नेहाज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सेल्स अकाउंट। फिर क्या लिखा हम लोगों ने, टू आउट पुट सी जी एस टी टू इन पुट सी जी एस टी, बराबर ना। अब यहां पे ये कितना परसेंटेज है, तो 18% है, तो ये दोनों में कितना आ जाएगा, 99% आएगा, बराबर ना दोस्तों। तो ये कितना आ गया हम लोगों को, 99% हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। सेल्स का अमाउंट कितना है हम लोगों का, 30,000 है, ठीक है ना। तो ये कितना है, 30,000 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सिंगल डिजिट का कोई भी परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो पीछे के क्या करते हैं, 2 जीरो को हम लोग हटा देते हैं, और 9 3 जार कितना होता है, 27। तो 27 लिखा, और आगे ये दो जो 2 जीरो बचे हैं वो हम लोग लिख देंगे, तो 2,700 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आया, 2,700, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 2,700, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, बराबर। और 4 + 1,400 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5,400। तो ये कितना आ जाएगा, 35,400 यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये जर्नल एंट्री सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे पास कर दी है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा, हाँ, ऑन क्रेडिट एट 18% जीएसटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे ये जर्नल एंट्री पास कर दी है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहां पे थोड़ा सा फोकस करना है, एक मिनट रुको। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 तारीख की हम लोगों की एंट्री हो गई है। अब हम लोग चलते हैं 10 तारीख पे, बराबर। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या है, चलो फटाफट तरीके से देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑफ ₹50,000 एट 28% जीएसटी एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो ये भी सोल्ड किया है हम लोगों ने, 10 तारीख का है ये एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10/4/2019। यहां पे भी क्या किया है हम लोगों ने,
यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब यहां पे हम लोगों को चेक से पैसा मिल रहा है तो हम लोगों को यहां पे क्या कर देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को मेरे को यहां पे डेबिट करना पड़ेगा। और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना हम लोगों को, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक डायरेक्टली दिख रहा है। मैं फटाफट लिख देता हूं यहां पे क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और वो कितना है हम लोगों का, यहाँ पे GST कितना है 28%, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 14% और 14%। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल्स की, तो सेल्स कितना है हम लोगों का 50,000 है, बराबर। अब ये जो है 50,000, इसका क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 14% अगर निकालना है तो ये 10% होगा, ये 4% होगा। हम लोग इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, तो जब 10% होता है तो एक जीरो कम करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा, बराबर दोस्तों। फिर जब हम लोग वन डिजिट में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या कर देते हैं हम लोग, दो जीरो को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दो जीरो हम लोगों ने मानो कैंसिल कर दिया है। फिर 5 4 4 कितना होता है 20, और ये कितना है, दो जीरो यहाँ पे है, कितना है ये दो जीरो, तो 5 6 7, तो कितना आ जाएगा ये 7,000 आ जाएगा, बराबर। तो सेल्स में कितना रुपया लिखा हम लोगों ने भाई, 50,000 लिखा, और ये कितना आ गया हम लोगों का 14%, 7,000 आ चुका है हम लोगों का सक्सेसफुली तरीके से, बराबर। अब ये तो मैं इस तरीके से करता हूं, अब किसी किसी लोगों को अगर 14 into क्या बोलते हैं 5 नहीं आता होगा, इसके लिए मैंने ये शॉर्ट में बताया, ऐसे तो ये 70 हो जाता है, फटाक से हो जाता था, वो भी इतना टाइम नहीं लगता था, बट चलो किस तरीके से अगर कोई बड़े बड़े नंबर रहेंगे है ना, तो उस टाइम के लिए ये समझ के ले लो कि ये भी हम लोगों को एक तरीका है, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सारे ही शॉर्टकट हम लोगों को लाइफ में सीख के रखने चाहिए। तो ये कितना है 14 है, 50 + 14 कितना हो जाएगा हम लोगों का 64,000, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है हम लोगों का 64,000 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब हम चलते हैं 14 तारीख के जर्नल एंट्री पे, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, 18% GST और 10% यहां पर क्या कर दिया है भाई साहब, अपना वो लगा दिया है डिस्काउंट, बराबर। तो 14 तारीख में हम लोगों का परचेस किया है हम लोगों ने, क्या किया है हम लोगों ने, परचेस है ना। अब फॉर कैश परचेस किया है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो परचेस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, कौन सा तारीख है 14 तारीख में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तो वही होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परचेस अकाउंट, क्या किया हमने भाई, डेबिट किया। फिर इनपुट CGST अकाउंट भी क्या कर रहा हूं मैं, डेबिट कर रहा हूं। फिर इनपुट SGST अकाउंट भी क्या किया हम लोगों ने, डेबिट किया। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एट कितना परसेंट जीएसटी है, 18% जीएसटी, लेस हम लोगों का क्या है, कैश डिस्काउंट है, क्या है, लेस कैश डिस्काउंट, तो हम लोगों को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी वो हम लोग समझते हैं। तो परचेस हम लोग कर रहे हैं, कितना परसेंट जीएसटी था भाई, 18% जीएसटी था ना, तो यहाँ पे हम लोग पहले से जीएसटी के वहां पे लिख के रख देते हैं 9%, 9%, बराबर ना दोस्तों। अब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई, कैश अकाउंट लिख दोगे,
और फिर उसके बाद में जब परचेस किया ना, तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आपका फायदा हो चुका है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्काउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ गया ये। अब हम लोगों को कैश कितना रुपया मिलेगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा, वो सब चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो परचेस कितने का किया था हम लोगों ने भाई, परचेस हम लोगों ने किया था 50,000 का, मानते हो ये बात आप? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कितना है, 50,000 का हमने क्या करा है, परचेस किया है। बट हम लोगों को कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड में, 5,000 लिख दिया। बट अब तो अभी भी बहुत सारा चीज बाकी है हम लोगों का, बराबर ना। तो ये 9% है। अब यहाँ पे एक्चुअल में कैश कितना जाएगा वो हम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो चलो, तो परचेस्ड गुड्स एट रुपीज हम लोगों ने क्या किया है वो हम लोग समझते हैं अभी यहां पे। तो क्या हो रहा है उसको देखते हैं पहले। तो अब यहां पे ये कितना है हम लोगों का, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा ये, तो 9,500 कितना होता है, 45। मैंने बोला था वन डिजिट में अगर हम लोगों का रहता है, क्या रहता है, परसेंटेज, तो पीछे के दो जीरो हम लोग काट देते हैं। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 45 लिखा हम लोगों ने, बराबर। और ये दो जीरो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे भी कितना लगा देते हैं, 4,500। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, ये कितना हो गया वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9,000। तो ये कितना हो गया, 59,000 हो रहा है ये। बट यहाँ पे ये हम लोगों ने कितना लिख के रखा है, पहले से डिस्काउंट मैंने 5,000 लिख के रखा है। तो मेरे को अभी कैश कितना पे करना पड़ेगा भाई, 54,000। क्या बात, ये आपको समझी है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये जो जर्नल एंट्री है इसको इसी तरीके से आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। आपको क्या करना है भाई, पहले परचेस का अमाउंट लिख दो, फिर ये परचेस पे जो हम लोगों का 10% डिस्काउंट है ना वो यहाँ पे मार दो। तो कितना आ गया, ये 5,000 साइड में आके बैठा रहेगा। फिर ये 50,000 पे 9% मार दो, तो ये 4,500 ये 59,000 आ जाएगा। 59 में से 5,000 चला गया, ये कितना आ गया, 54,000। अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बींग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बींग goods purchased for cash at 10% discount and 18% GST paid। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, जर्नल एंट्री को पास कर दिया है। आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले जर्नल एंट्री की तरफ। तो यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग अब क्या है कि हम लोगों का कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जर्नल एंट्रीज बची है। तो यहां से मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं बोर्ड को। आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्रीज है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को फटाफट ये कंप्लीट करना है और फिर लास्ट सम भी हम लोगों का बाकी है, वो भी हम लोग कर देंगे। तो हम लोगों का एक बार का सॉल्व प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या करना रहेगा, अनसॉल्व हम शुरू कर देंगे फटाफट। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक एक दिन में एक एक वीडियोस आते जाएंगे सॉल्व अनसॉल्व के भी, और लेजर चैप्टर भी मैं शुरू कर दूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ सोचा है, तो ऐसा करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, है ना, जनरल, और जो भी है हम लोगों के पहले के जो चैप्टर्स थे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ही तो बेसिक है आपके, बराबर। वो अगर अच्छे से आते होंगे तो जर्नल्स आपको अच्छी तरीके से पास करना आ जाएगा। जर्नल अगर आता होगा तो आप लेजर अच्छी तरीके से कर लोगे,
क्योंकि जनरल एंट्रीज पास करनी होगी, फिर ही आपको लेजर में पोस्टिंग होती है, तो वो सब सिखाया जाएगा कैसे होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसीजर है वो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो, आई होप कि आपको अभी तो अच्छा लग रहा होगा कि आपने कॉमर्स लिया है, और धीरे धीरे आप अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो चलो, हम लोग कौन सा 14 तारीख का एंट्री पास कर दिया है, अब 18 तारीख में आ जाते हैं। बहुत इजी है ये, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹8,000, एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट आवर एक्सपेंसेस। तो 18 तारीख की ये तारीख एंट्री है, ट्रांजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे 18/4/2019 लिख देते हैं। और क्या लिखता हूँ मैं, ADVERTISEMENT एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा हम लोगों का कैश, अब कुछ दिया नहीं है बैंक वगैरह का, तो हम लोगों को कैश ही लिखना पड़ेगा। और ये कितना है 8,000, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड में हम लोगों को कितना लिख देना पड़ेगा भाई, 8,000 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, एडवर्टाइजमेंट की एंट्री पास कर दी है। चलो आगे चलते हैं, परचेस्ड अ हॉर्स फॉर ₹40,000 एंड पेड कैरेज चार्जेस ₹2,000। अब ये जो हॉर्स वगैरह है इसको हम लोग है ना एक नाम देते हैं, ये क्या है हम लोगों का, जो जिंदा रहते हैं, तो एक लाइव स्टॉक करके आपने पढ़ा होगा बराबर, जो कि क्या आते हैं असेट में, तो हॉर्स अकाउंट तो नहीं लिख सकते हम लोगों को, क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, लाइव स्टॉक अकाउंट लिखना पड़ेगा। और हम लोगों का ये कितने का खरीदा था हम लोगों ने, ये लाइव स्टॉक हम लोगों ने 40,000 का मतलब हॉर्स खरीदा था, और कैरेज चार्जेस कितने थे हम लोगों को 2,000, तो मतलब ये पूरा का पूरा हम लोगों को ये घोड़ा कितने का पड़ा, 42,000 का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे पूरा एक साथ में ही लिख देते हैं ये एंट्री को। और कौन से तारीख का है ये एंट्री भाई, 20 तारीख का है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक ये हमारे लिए क्या होगा भाई, असेट होगा, मैंने कुछ काम के लिए ही लाया होगा ये हॉर्स को बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखते हैं, लाइव स्टॉक, लाइव बोले तो जो जिंदा होता है वो, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कैसे लाया भाई हम लोगों ने इसको, एंड पेड फॉर कैरेज चार्जेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश ही लिख देते हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं है, और जाहिर सी बात है कैश में ही लाया होगा ये। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 42,000 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो, बींग पेड फॉर, बींग परचेस्ड हॉर्स एंड कैरेज चार्जेस इनकर्ड, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दो, बींग हॉर्स परचेस्ड एंड कैरेज चार्जेस। अब आपको है ना ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, मेरा तो ये ब्रैकेट पूरा यहां तक लग जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइंस वगैरह नहीं मारे हैं, मेरे को तो केवल आपको ये समझाना है। मैं ये सम तो सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लास्ट में एक और एक चीज करनी होती है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल लिखनी होती है, वो आप कर लोगे आई होप सो। चलो, हम लोगों ने ये काम तो कर दिया। अब हम लोगों का 22 तारीख का जनरल एंट्री क्या है, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹11,000, एकदम सिंपल एंट्री है, फटाफट हम लोग कर देते इसको। तो कौन से तारीख का है भाई ये, 22 तारीख का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22/4/2019 बराबर ना, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या लिखा हम लोगों ने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया टू, क्या करूंगा मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिखूंगा, और कितना हजार हो रहा है वो हम लोगों का 11,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना, 11,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, या फिर बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इसी के साथ हम लोगों का ये जो 22
तारीख का जो जर्नल एंट्री था, ट्रांजेक्शन था, उसका जर्नल एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से पास कर दिया है। अब 26 तारीख के तारीख पे सॉरी 26 तारीख के ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश 13,000 बराबर एट 12% जीएसटी लेस 10% कैश डिस्काउंट बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज को हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो 26 तारीख लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 26 अरे 26/04/2019, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश रुपीज 13,000। तो हम लोगों ने 13,000 में ये गुड्स बेचा है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने ये सेल्स किया है 13,000 में। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट में लिख देता हूं यहाँ पे बराबर। अब उसके बाद में साथ में हम लोगों ने क्या किया है, डिस्काउंट भी दिया है उसको कुछ, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आ जाएगा हम लोगों का बराबर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया भाई, डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे क्या है, टू सेल्स अकाउंट, फिर क्या है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर क्या है हम लोगों का, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो सेल किया था हम लोगों ने वो कितने रुपए में किया है, तो सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश एट रुपीज 13,000। तो सेल्स कितने में किया था हम लोगों ने, यहाँ पे 13,000 रुपए में किया था बराबर। तो ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना था हम लोगों का, 12%, मतलब ये कितना था हम लोगों का, यहाँ पे 6% था, और ये भी कितना था हम लोगों का, 6% था, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तो लिख दिया, क्या कर दिया हम लोगों ने, ये तो लिख दिया। अब बट हम लोगों का ये 13,000 है, अब यहाँ पे हम लोगों का वन डिजिट में रहता है तो 2 जीरो काट देते हम लोग बराबर। 6 × हम लोगों का 13 जब हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 78, कितना आ गया ये हम लोगों का, 7 और 8 आ गया, और ये बचा कितना है, 0, तो 1 0, तो ये 780, यहाँ पे भी कितना आ गया भाई, 780 आ गया। अब बट यहां पे क्या बोला था, सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश 13,000 एट द रेट 12% जीएसटी, ठीक है, हाँ, लेस 10% डिस्काउंट, क्या लेस 10% कैश डिस्काउंट। पर हम लोगों को ये कितना मारना है, कैश डिस्काउंट किस पे पास करेंगे हम लोग, 13,000 पे। तो डिस्काउंट अलाउड भी कितने पे किया है हम लोगों ने, 13,000 पे, तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 1,300 रुपया यहाँ पे आ जाएगा बराबर ना। डिस्काउंट अलाउड हम लोगों को क्या करना है, इस पे ही चार्ज करना है। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, बट हम लोगों का क्या होगा अभी ये, तो 13,000 प्लस 780 प्लस 780, मतलब ये कितना हो रहा है हम लोगों का, 1,560 रुपीज हो रहा है। 14 + 14 कितना होता है भाई, सॉरी 7 + 7 1,400, 700 + 700 1,400 प्लस 160 कितना हो जाएगा ये, 1,560, ठीक है ना, 15, फिर ये 1,400 एंड क्या हो रही कंफ्यूजन, ये कितना है हम लोगों का, 13,000 है प्लस ये कितना है, 780 प्लस 780 हो जाएगा हम लोगों का बराबर, ये हो जाएगा हम लोगों का 1,560 बराबर, ये 0, ये 60, ये 5, ये 4, तो 14,560 हुआ। 14,560 में से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 14,560 में से हम लोगों को यहाँ पे
1300 रुपये को माइनस करना है, तो ये 60 आ गया, 5 में से ये 2 गया, ये कितना आ गया 3, और ये 13,260 रुपया हम लोगों को यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम लोगों को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये सारे अमाउंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे अमाउंट्स को लिखा है करके, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया था, मैंने ये अमाउंट को लिखा, इसके ऊपर मैंने क्या किया 6% को पास किया है, बराबर, इसके ऊपर मैंने 6% को पास किया है, तो हम लोग ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो 13,000 इंटू क्या किया है हम लोगों ने 6%, और ये भी कितना है हम लोगों का 13,000 इंटू क्या किया है हम लोगों ने 6% किया है, और ये कितना है हम लोगों का, इसको 10% कर दिया है, किसके ऊपर 13,000 पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एंट्री पास की है, जो कि क्या थी हम लोगों की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और हम लोगों को लास्ट में नरेशन लिखना है, ब्रिंग गुड्स क्या बोलते हैं सोल्ड टू आलोक फॉर कैश एट 12% जीएसटी एंड 10% क्या बोलते हैं उसको कैश डिस्काउंट दिया था, ये मैं अब लिख नहीं रहा हूं। हम चलते हैं अगले जर्नल एंट्री पे। तो 28 तारीख को क्या हो रहा है हम लोगों का, तो वो देखते हैं हम लोग। काफी ये हम लोगों का सम स्लो हो चुका है आज अभी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो हम लोग इसको जानबूझ के भी स्लो कर रहे हैं, बट ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसके लिए मैंने ये नरेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, आपके ये टेक्सटबुक में दिया हुआ ही है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और क्या है कि आपको लिखना है, क्या समझा है आपको वही तो लिखना होता है नरेशन में, और इतना तो इंग्लिश सबको आता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड आपने पास किया है, 11th में आए हो, ठीक है ना, कोई छोटे से बच्चे तो हो नहीं आप 3rd-4th स्टैंडर्ड के, कि आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है, बराबर ना। बट बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं, सीखना पड़ता है हर एक चीज को, हमको सीखना पड़ेगा। चलो तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे रफ कर दिया है। अब आगे चलते हम लोग, रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों को ये बैड डेब्ट्स का पैसा मिला है, तो ये कौन सा तारीख का है पहले तो वो लिख दो भाई, 28/4। बैड डेब्ट्स बोले तो क्या होता है भाई, जो पैसा डूब जाता है वो, तो आपको वो पैसा मिला है, पैसा मिला है मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे, कैश अकाउंट को क्या कर रहा हूं मैं, डेबिट कर रहा हूं, और कितना रुपया मिला है आपको, तो 1000 रुपीज लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितना 1000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट लिख दो, या फिर उतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, बैड डेब्ट्स को ही लिख दोगे है ना, तो भी चलेगा उतना ही। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है हम लोगों के। अब यहाँ पे हम लोगों को नरेशन लिख देना है, बीइंग द अमाउंट प्रीवियसली ट्रीटेड एज अ बैड डेब्ट्स नाउ रिकवर्ड, ऐसा लिख दो, बराबर। तो लिख दे हूं क्या, चलो बीइंग क्या लिख रहे हम लोग, बीइंग being amount sorry being amount previously treated as bad debts now recovered इन कैश, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री पास हो चुकी है हम लोगों की। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये तो एकदम सिंपल है भाई, जब जब गुड्स आता है तब तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल हम लोग ये अकाउंट बना देंगे और वो क्रेडिट में लिखेंगे, और डेबिट में क्या लिखूंगा, तो मैं ये हमारा क्या हो रहा है भाई, फायदा हो रहा है, तो फायदा किससे हो रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हम लोगों का बिजनेस का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लोगों का तारीख आ जाएगा 30/4/2019, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ADVERTISEMENT अकाउंट, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डेबिट कर रहा हूं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू गुड्स गिवन एज क्या लिखा हम लोगों ने, फ्री सैंपल अकाउंट,
और कितना रुपया आ जाएगा, वो 5,000 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिखा भाई, 5,000 लिख देते हैं, और क्रेडिट में भी हम लोग कितना लिख देते हैं, 5,000 रुपया यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पे पास हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सारे जर्नल एंट्रीज थे क्वेश्चन नंबर 7 के बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी हमारा लास्ट सम बचता है क्वेश्चन नंबर 8, बराबर, वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। वो भी काफी लेंदी है, तो उसको भी हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।